हेलो फ्रेंड्स, एडिनरमान में आपका स्वागत है। हम चलते हैं क्वेश्चन सीरीज़ की ओर। तो क्वेश्चन है साइट्स पे, ठीक है। साइट्स क्या है? एक आर्टिकल आया है आज न्यूज़पेपर में, जिसमें कि इंडिया ने प्रपोजल सेंड किया है साइट्स को टू अपग्रेड द प्रोटेक्शन लेवल ऑफ थ्री ऑफ इट्स स्पीशीज़। कौन सी स्पीशीज़ हैं ये? एक तो स्टार टॉर्टोइज है, एक स्मूथ कोटेड ओटर है और एक स्मॉल क्लॉड ऑटर है। तो ये तीन जो स्पीशीज़ हैं, इनका लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अपग्रेड करने के लिए इंडिया ने प्रपोजल भेजा था साइट्स को, और वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है। सो हम ये सोचते हैं कि ये साइट्स क्या है, देन व्हाट साइट्स। तो साइट्स को एक्सपैंड करते हैं हम। साइट्स को जब हम एक्सपैंड करेंगे तब हमें मिलेगा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑन वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फोना। ये इसकी करेक्ट एक्सपेंशन है, ठीक है। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म से ही हमें पता चल जाता है कि इसका काम क्या है। इसका काम है प्रोटेक्टिंग स्पीशीज फ्रॉम अनसस्टेनेबल ट्रेड, ठीक है। अब हम साइट्स के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। सो द क्वेश्चन नंबर वन जो है वो, उसमें चार स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है साइट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन। येस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन। साइट्स केम इन टू फोर्स इन 1975, इट्स ऑल्सो ट्रू। साइट्स को 1973 में रखा गया था, प्रपोजल रखा गया था, फिर कंट्रीज़ ने उसे साइन किया गया, और फिर जब 176 कंट्रीज़ ने जब उसे साइन कर दिया गया तो 1975 में साइट्स फोर्स में आ गया। साइट्स के पास तीन अपेंडिसेस हैं जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, और जहां अलग अलग कैटेगरीज़ के एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी गई है। हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्टेड अपेंडिसेस कौन सा है? अपेंडिसेस वन, ठीक है, और फिर अपेंडिसेस टू है, ओके। देन थर्ड स्टेटमेंट क्या है? साइट इज़ एडमिनिस्टर्ड थ्रू UNEP। येस, इट इज़ ऑल्सो राइट। UNEP है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो साइट्स इसके थ्रू एडमिनिस्टर्ड होती है। तो जो ऑप्शन नंबर फोर है ये करेक्ट है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब जिस दिस इज़ अ टाइप ऑफ फॉर्मेट विच UPSC ऑप्ट, ठीक है। जैसे कि इसमें यू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, दिस इज़ मेंशन दैट यू हैव टू फिगर आउट विच ऑफ द दिस मैच द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, ओके। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो, इसको भी ध्यान से पढ़ते नहीं और आंसर आपका गलत हो जाता है। तो ये एक स्टैटिक टॉपिक है, पर आज एक सहारी ट्राइब के ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ है पेज नंबर वन ऑफ द हिंदू पे। तो इसमें देखें कि कौन सा इनकरेक्ट है। लुशियाई ट्राइब त्रिपुरा में होते हैं, ओके। लेपचा ट्राइब सिक्किम में होते हैं, ओके। देन वी हैव बकारवल ट्राइब जो जम्मू कश्मीर में होते हैं, ओके। ऐसे ऐसे करके काफ़ी ट्राइब्स होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में और भी ट्राइब्स हैं, गद्दीज़ हैं, तो बहुत सारे ट्राइब्स हैं। तो जो हिल एरियाज़ हैं, मतलब हिली एरियाज़ हैं जहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं, तो उनको करके आपको एक जैसे टेबुलर फॉर्म में टेबल तैयार करके उसको रखना पड़ेगा ताकि आप रिवाइज कर सकें। एंड दीज क्वेश्चंस डू आस्क्ड इन द UPSC प्रीलिम्स एग्जाम। सो जो सहारी ट्राइब है जो आज के न्यूज़पेपर में है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, इट इज़ नॉट इन असम। सो दिस फोर्थ स्टेटमेंट इज़ ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ वेलकम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ये है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बहुत न्यूज़ में है, आर्टिकल 370 से लेके डिफरेंट चीज़ों को लेके सुप्रीम कोर्ट न्यूज़ में रहता है। तो लेट्स स्टडी द बेसिक्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बेसिक लेवल पे अब इसकी देखो, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बोला है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं पूछा गया। तो रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। मिनिमम एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस 45 ईयर्स एंड मैक्सिमम इज 65 ईयर्स। दिस मैक्सिमम एज इज एंटायरली करेक्ट, बट ऐसी कोई मिनिमम एज स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि मतलब मिनिमम 45 ईयर्स का पर्सन होना चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए। सिर्फ क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस में आता है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, देन ही शुड हैव बीन द जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, या फिर वो एक एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, या फिर वो प्रेजिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए।
तो दिस इज़ अ मिनिमम दिस इज़ अ क्वालिफिकेशन टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. नाउ यू कैन कंसिडर. सो व्हाट आर द ग्राउंड्स? सेकेंड स्टेटमेंट है, देर आर सेवरल ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ जजेस. द स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. दे आर सिर्फ दो ग्राउंड्स हैं रिमूवल ऑफ जजेस के. एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. ठीक है, सिर्फ इन दो ग्राउंड्स के ऊपर हम जजेस को हम नहीं कर सकते. प्रेसिडेंट कैन रिमूव जजेस. ठीक है, तो इन दो ग्राउंड्स पे जजेस को इम्पीच किया जा सकता है. इम्पीच करने के लिए एक इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस फॉलो होता है. लेट मी गिव यू ब्रीफिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट का प्रोसेस ऐसे होता है कि मोशन डाला जाएगा एक पार्लियामेंट में. मोशन जिसको 100 लोकसभा मेंबर्स और 50 राज्यसभा मेंबर्स साइन करेंगे, उस मोशन को स्पीकर को सबमिट किया जाएगा. अगर स्पीकर उसको एडमिट कर लेता है मोशन को, तो वो मोशन कंटिन्यू होएगा. उसके बाद उसमें एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी जो कि जिस जज के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करेगी. उसके बाद उस कमेटी में कौन कौन होगा? कमेटी में होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. जब ये कमेटी और जो जिस जज के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन हुआ है उसको गिल्टी फाइंड करेंगे इन, और वो भी सिर्फ दो ग्राउंड्स पे, एक इन गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. ठीक है, फिर उसके बाद वोटिंग होएगी. फिर वोटिंग में अगर ये मोशन स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो प्रेजिडेंट असेंट टू बी गिवन. ठीक है, अगर प्रेजिडेंट इस चीज़ को असेंट कर देते हैं, देन द जज स्टैंड्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन. और अब तक हमारा इतना साल हो गए हैं जुडिशरी के, कोई भी जज को इम्पीच नहीं किया गया है. सो देर आर, तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है. ये एक ब्रीफिंग थी. यू मस्ट नो अबाउट हाउ द इम्पीचमेंट प्रोसेस इज कैरिड ऑन इन पार्लियामेंट. तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी गलत है. सो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, इन अपॉइंटिंग जज अदर देन CJI, इट इज़ ऑब्लीगेटरी फॉर प्रेजिडेंट टू कंसल्ट CJI. दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी मच करेक्ट. जो क्योंकि प्रेजिडेंट इज़ द वन हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और प्रेजिडेंट को जब वो किसी दूसरे जज को अपॉइंट कर रहे हैं रादर देन द CJI, तो ही इट इज़ ऑब्लीगेटरी, इट्स अ ऑब्लीगेशन फॉर प्रेजिडेंट टू कंसल्ट CJI. CJI मस्ट सेंड हिज रिकमेंडेशन टू द प्रेजिडेंट्स एंड देन द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड. ओके, और एक कोलेजियम सिस्टम है जो 1998 की जजमेंट के बाद आया था. उस सिस्टम के थ्रू जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज BPRD? और इसमें आप ध्यान रखें कि ये करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट नहीं बतानी है. सो व्हाट इज़ BPRD? इसमें 4 ऑप्शंस हैं. BPRD को एक्सपेंड करते हैं हम पहले. ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है, हमारे द हिंदू के आर्टिकल्स में आया हुआ है. पेज नंबर 1 के आर्टिकल पे है. यहाँ पे जो अमित शाह जी हैं वो इनॉग्यूरेट कर रहे हैं 15th फाउंडेशन डे ऑफ BPRD. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 देखिए, इट इज़ अ थिंक टैंक अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू. दिस स्टेटमेंट ट्रू है. उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है, इट हैज़ डिविजन्स, 4 divisions, रिसर्च डेवलपमेंट ट्रेनिंग करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन. यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू. अब BPRD इज सेट अप ऑन 28th August 1970 फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस सर्विसेज. दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू. तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव. देखो, कल 28 अगस्त था, तभी अमित शाह जी इसकी फाउंडेशन को सेलिब्रेट कर रहे थे. ठीक है, तो 1970 में इसको सेटअप किया गया था. और इसका काम क्या है? ये मॉडर्नाइजेशन करती है पुलिस सर्विसेज का. अमित शाह जी ने बोला था कि अभी 3rd degree टॉर्चर की जो एज है वो जा चुकी है. नाउ पुलिस सर्विसेज मस्ट बी विजिलेंट, और वो क्राइम से ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए टू डिटेन द क्राइम.
इंस्टेंसेस इन आवर कंट्री। सो तो मॉडर्नाइजेशन कैसे होएगा पुलिस फोर्सेस का, लाइक जैसे फोरेंसिक्स की जो किट्स वगैरह है वो अवेलेबल कराना, और जो डाटा है सिर्फ फ़ोन टेपिंग से काम नहीं चलेगा, जो डाटा है जो बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी से मिल सकता है और जिससे हमें क्राइम को रोकने में मदद मिलती है, वो वाली सर्विसेज हमें पुलिस फोर्सेस को देना चाहिए। साइंस एंड टेक जो है वो पुलिस फोर्सेस के पास भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजीज ऐसे कि ताकि वो क्राइम रेट को रिड्यूस कर पाएँ और क्राइम को कम कर पाएँ। ठीक है, दे मस्ट बी एबल टू रिड्यूस द क्राइम इंस्टेंसेस। सो इसमें क्या है, आंसर 4 इज करेक्ट। ठीक है, नाउ विल कम टू आंसर 5, क्वेश्चन 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 इज, सी रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, इट्स अबाउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रैफिक। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन UPSC prelims in लाइक आई थिंक 2 to 3 years back। सो इट वॉज इन सेटअप इन 1976। येस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज़ इन जॉइंट कंजर्वेशन प्रोग्राम ऑफ WWF एंड IUCN। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। और UPSC में इसी स्टेटमेंट के ऊपर खेला गया था। यहाँ पर WWF के करके कुछ और दिया गया था, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया होगा, मतलब इस स्टेटमेंट को यहाँ से चेंज कर दिया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत बन गई थी। ठीक है, बट हाँ, इन आर केस दिस स्टेटमेंट इज़ परफेक्टली करेक्ट। सो विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट्स फंक्शन इज़ टू इंश्योर द ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स दैट इज़ नॉट थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये एक मॉनिटरिंग एजेंसी है, ये एक मॉनिटरिंग नेटवर्क है जो ट्रेड को मॉनिटर करता है कि मतलब ट्रेड सही तरीके का होना चाहिए, वो कंजर्वेशन ऑफ नेचर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट सही है, पर इसमें एक चीज़ मिसिंग है। इट्स फंक्शन इज़ टू इंश्योर ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड ऑल्सो इन प्लांट्स। वन थिंग विच इज़ मिसिंग इन दिस स्टेटमेंट इज, यहाँ पे प्लांट्स भी आएगा, प्लांट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट्स एरिना। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्टी और रॉन्ग। सो इट्स एन NGO वर्किंग ग्लोबली, येस दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो राइट। सो इसका आंसर होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट्स आंसर इज 3। सो आंसर्स आर गिवन हेयर, यू कैन गो थ्रू द आंसर्स। सो दिस वॉज द इट, एंड वी कम टू एंड ऑफ दिस MCQ सीरीज। Thank you very much.